ये जी हमारे विला के बाहर के कुछ मंदिर हैं, और ये देखें कितना खूबसूरत दरख्त है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अभी इसके काफ़ी लाल पत्ते गिर गए हैं, वरना ये और भी खूबसूरत लगता है। एवरीवन, आज हम चलते हैं वक्त पे, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी डेली की रूटीन क्या है, तो आए फिर आपको लेके चलता हूँ। जैसे कि पार्किंग आज बिल्कुल फुल है और जगह मिलना बड़ा मुश्किल है, और ये एक गाड़ी जा रही है। ये हमारे बड़े भाई हैं, भाई सरताज जी। तो पहुंच चुके हैं हम ममदार बीच पे, ये एक काइंड ऑफ अ फैमिली बीच, और यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी है बड़ा मज़ेदार। तो जब से मैं दुबई आया हूँ तो यहाँ पे मैंने वॉक करना स्टार्ट किए। पहले मैं अपने होम टाउन हैदराबाद में वॉक करता था, तो जब से मैं मूव हुआ हूँ तो अभी यहीं पे रूटीन सेट हो गई है। तो आए आपको अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं। वॉक जैसे कि डेली हम 4 किलोमीटर करते हैं, मैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और एक और कज़न है। दिखाता हूँ आपको मैं, 1000 मीटर इस तरफ फिर वापसी। ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मैं समझता हूँ उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। काफ़ी लोग इसको बड़ा लाइट लेते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं भाई तुम बहुत इसके नहीं हो, तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है वॉक करने की। तो उन्हें मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉक इसके नहीं या ओनली फैट पीपल नहीं कर सकते, वॉक हर इंसान के लिए बिल्कुल ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। ये जैसे कि यहाँ पे मार्क्स लगे हुए, 600 मीटर हो चुका है अभी तक, और स्टिल काफ़ी रहता है। अभी हमने करने हैं 4000 मीटर। यहाँ पे वॉक करने का एक बड़ा फ़ायदा है कि आपको बड़ा पुरसकून माहौल मिलता है यहाँ पे, और आपको लोग वॉक करते हुए डेली रूटीन में मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हुए मिलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा जिम भी बना हुआ है, तो वॉक बिल्कुल बहुत ज़्यादा कीमती हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो वॉक को कभी भी मिस ना करें। ये इन्होंने करीम साइकिल भी यहाँ पे रखी हुई हैं, स्कूटीज़ भी हैं, आप इनमें चार्ज करके और चला सकते हैं इनको आराम से। ये स्कूटीज़ हैं, ये भी आप यहाँ पे चला सकते हैं। देखें जैसे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, एक बड़ा मज़ेदार माहौल है। हाँ जी, तो तकरीबन 1500 मीटर हो गया अभी तक, एंड इट स्टिल गोज ऑन। तो ये 1550 हो गया अभी, 1515 मीटर।
तो हेयर हेयर इट इज 200 मीटर, 2000 मीटर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हम वापसी जाएंगे 2000 इस तरफ, टोटल हो गए 4000। हमारा ये 4 किलोमीटर की वॉक डेली की कंप्लीट हो जाएगी। आप देख रहे हो क्या व्यू है, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा पीसफुल माहौल है। वापसी की तैयारी, सूरज ढलने लगा है और मौसम और हसीन होता जा रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दुबई का मौसम इतना अच्छा भी होता है, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त हवाएं हैं। जैसे कि दिन ढलता जा रहा है, वी आर ऑलमोस्ट देयर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिन ढल चुका है और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, मगरिब का टाइम हो चुका है और हमारी वॉक भी जो है कि अपने अख्ताम पे पहुंच गई है, बस पहुंच गए हम भी वहीं पे अपनी मंजिल पे। ये रहा सामने टी क्लब, इसके पास ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और तकरीबन हर 500 मीटर के बाद जो है ना एक टी क्लब बना हुआ है इस तरह का। सामने आप लाइट्स चल रही हैं, आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ द टी क्लब एंड वी आर डन। जैसे कि आई हैव कम्प्लीटेड माई वॉक फॉर टुडेज और थोड़ा अभी हम रिलैक्स करेंगे, तकरीबन 10-1 मिनट हम बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम घर की तरफ निकलेंगे। सारी वॉक करने के बाद फिर एक थोड़ी बहुत चाय और स्नैक्स तो बनते ही थे, तो हम बैठ गए टी क्लब पे और चाय पी रहे और साथ में फ्राइज ली हुई हैं। तो ये था आज का छोटा सा हमारा व्लॉग डेली वॉक पे, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।